सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम दिव्य भारती का पाठ 9 हार की जीत पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना, ठीक है, कि हार की जीत कैसे होती है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पाठ परिचय दिया हुआ उन्होंने, पाठ परिचय में क्या है, हर कहानी कोई ना कोई शिक्षा देती है, कि कोई भी कहानी हो वो हमें क्या देती है, शिक्षा देती है, सीख देती है। कहानी में पढ़े कि बाबा भारती के मन में अपाहिजों के लिए कितनी दया की भावना थी। जो बाबा भारती थे उनके मन में क्या थी, अपाहिजों के लिए कितनी दया भावना थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बच्चों, हम भी बूढ़ों और अपाहिजों की हर संभव मदद करनी चाहिए, कि हमें बूढ़े व्यक्ति की, जो अपाहिज व्यक्ति होते हैं उनकी क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। अब हम अपना चैप्टर रीड करते हैं। क्या है इसमें, गांव के बाहर मंदिर में एक साधु रहते थे। एक गांव था और उसके बाहर मंदिर था, उसमें क्या रहते थे, साधु। देखो ये गांव बसा हुआ है यहाँ पर, और फिर उसके बाहर क्या है, मंदिर है, यहाँ पर साधु रहते थे। उनका नाम बाबा भारती था, और उनका नाम क्या था, बाबा भारती था। देखो ये क्या है, बाबा भारती। बाबा के पास एक सुंदर और बढ़िया घोड़ा था। जो बाबा थे उनके पास क्या था, एक सुंदर और क्या था, बढ़िया घोड़ा था। देखो ये बाबा भारती मंदिर के बाहर क्या रहते हैं, मंदिर में क्या रहते हैं, एक साधु रहते हैं, और उनका एक बहुत ही बढ़िया और सुंदर घोड़ा है। वैसा घोड़ा आसपास के किसी गांव में नहीं था। जो इनके पास एक घोड़ा था बाबा भारती के पास, वैसा घोड़ा किसी भी व्यक्ति के पास नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। तो उनका नाम क्या था, सुल्तान था घोड़े का नाम। वे अपने हाथ से उसे दाना खिलाते थे। जब वो उसे दाना खिलाते तो किसके साथ खिलाते, अपने हाथों से खिलाते थे, ठीक है। जब तक शाम को बाबा सुल्तान पर बैठकर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता। जब तक वो क्या अपने घोड़े पर बैठकर, यानी कि सुल्तान पर बैठकर 8-10 मील का चक्कर नहीं लगाते थे, तो उन्हें क्या नहीं आता था, चैन नहीं आता था। इस इलाके में खड़क सिंह नाम का एक डाकू था। कैसा डाकू था, खड़क सिंह नाम का। लोग उसके नाम से ही कांपते थे। जो डाकू था उसके नाम से ही लोग कांप जाते थे। खड़क सिंह ने भी सुल्तान के बारे में सुना था। जो उनका घोड़ा था बाबा भारती के, उसके बारे में खड़क सिंह ने भी क्या था, सुना हुआ था। एक दिन वह बाबा भारती के पास पहुँचा। कहाँ पर आ गया वो, बाबा भारती के पास आ गया डाकू। बाबा भारती ने पूछा, कहो खड़क सिंह क्या हाल है। तो बाबा भारती ने क्या पूछा कि खड़क सिंह बताओ क्या हाल है। खड़क सिंह ने उत्तर दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो खड़क सिंह था उसने क्या जवाब दिया कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा ने पूछा, कहो मेरे पास कैसे आए हो। फिर बाबा भारती ने पूछा कि बताओ कि तुम मेरे पास कैसे आए हो। खड़क सिंह ने कहा, आपके घोड़े सुल्तान की बहुत प्रशंसा थी, ठीक है, कि बहुत तारीफ थी, कि बहुत ही सुंदर घोड़ा है, बहुत बढ़िया घोड़ा है, इसलिए मैं इसे देखने के लिए चला आया। बाबा भारती ने कहा, हाँ घोड़ा चलने में क्या है, अच्छा है, देखने में भी बहुत अच्छा है, कि मेरा घोड़ा तो चलने में भी अच्छा और देखने में भी अच्छा है। बाबा भारती खड़क सिंह को अस्तबल में ले गए और उसे घोड़ा दिखाया। कहाँ ले गए, अस्तबल में ले गए, जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है, अस्तबल, ठीक है। खड़क सिंह ने कहा, इतना अच्छा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था। फिर खड़क सिंह ने क्या कहा कि ये इतना सुंदर घोड़ा है, ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था, ठीक है। फिर क्या है, बाबा भारती बहुत डर गए। उन्हें ना रात को नींद आती, ना दिन में चैन आता। वे सारी रात अस्तबल की रखवाली करते। फिर वो क्या था, बाबा भारती बहुत डर गए थे जब उसने, खड़क सिंह ने ये बात कही कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था। फिर जो बाबा भारती थे उसकी रात की नींद भी उड़ गई और दिन का चैन भी उड़ गया। तो वो सारी रात क्या करते थे, अस्तबल की रखवाली करते। कई महीने बीत गए लेकिन खड़क सिंह नहीं आया। बहुत सारा टाइम बीत गया, यानी कि मंथ बीत गए और खड़क सिंह नहीं आया। एक दिन बाबा भारती सुल्तान पर बैठ कर घूमने जा रहे थे, अचानक एक तरफ से आवाज़ आई, बाबा अपाहिजों पर दया करो। क्या करो, अपाहिज पर दया करो। अब अपाहिज व्यक्ति कौन से होते हैं, जिसकी जैसे कोई लग रहा होता है, किसी के पैर पर चोट लगी होती है, वो अच्छे से चल नहीं सकता, अच्छे से काम नहीं कर सकते, अपाहिज व्यक्ति वो होते हैं, ठीक है। बाबा ने घोड़े को रोक दिया। फिर बाबा ने क्या किया, अपने घोड़े को रोक दिया। बाबा अपाहिज के पास गए तो वह बोला, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है,
मुझे पास के गांव तक ले चलो, भगवान तुम्हारा क्या करेगा भला करेगा। फिर बाबा किसके पास गए, अपराइज के पास गए और बोले क्या है कि मेरे पाँव में तो बहुत दर्द हो रहा है और मुझे ना पास वाले गांव में जाना, तो वहां तक ले चलो, भगवान तुम्हारे पे क्या करेगा दया करेगा और तुम्हारा भला करेगा। बाबा भारती घोड़े से उतरे, उन्होंने अपाइज को घोड़े पर बिठा लिया और संभव स्वयं घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। क्या हुआ, बाबा भारती घोड़े से उतर गए और उन्होंने क्या किया, अपाइज था जो उसको अपने घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं यानी कि खुद से वो क्या करने लगे, घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक उन्हें झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई। अचानक से क्या हुआ, उनको झटका लगा और क्या हुआ कि उनकी जो लगाम थी घोड़े की वो छूट गई। बाबा ने बहुत ही आश्चर्य से देखा, यानी कि आश्चर्य मतलब हैरानी से देखा। वह अपाइज नहीं था, खड़क सिंह था। उसने देखा कि वो तो अपाइज नहीं खड़क सिंह था, वह घोड़े को दौड़ाता हुआ ले जा रहा था। बाबा भारती थोड़ी देर देखते रहे, फिर चिल्लाकर बोले जरा ठहर जाओ खड़क सिंह, ठहर जाओ। ठीक है, फिर उसने क्या कहा कि ठहर जाओ खड़क सिंह, ठहर जाओ। ठीक है, ये हमारा पार्ट 9 था, हार की जीत। हम इसको इतना ही आज पढ़ते हैं, यानी कि हमने आज पेज नंबर 72 और 73 पढ़ा है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, पेज नंबर 73 एंड 74 रीड करेंगे। तो आगे की कहानी मैं उस लेक्चर में कंटिन्यू करके कंप्लीट करवाती हूँ। ओके, तो आप इसको यहाँ तक अच्छे से रीड करना, रिवाइज करना। ओके, दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू।